नमस्कार, शुभ रात्रि, प्रणाम। नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस हफ्ते के हमारे मेहमान हैं कौस्तुभ कांति गांगुली जी, कमाल के कलाकार हैं। और कलाकार होने के साथ साथ जो उनकी शिक्षा है और शिक्षा में जो वो संगीत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे पिछले हिस्से में, वो सब कुछ बहुत दिलचस्प रहा। लेकिन इस हिस्से में हम फोकस करेंगे सबसे ज़्यादा उनके गुरु पर, उनके गुरु यानी इस देश के, बल्कि इस देश के नहीं कहना चाहिए, विश्वविख्यात शास्त्रीय गायक पंडित अजय चक्रवर्ती जी पर। कैसे 6-7 साल की उम्र में उन्होंने कौस्तुभ की कला को पहचाना, उन्हें सिखाना शुरू किया और फिर उन्हें एक कलाकार के तौर पर और एक सिंसियर आर्टिस्ट के तौर पर गढ़ा, ये सब कुछ इंटरव्यू के इस हिस्से में। अब आते हैं कौस्तुभ इस इंटरव्यू के हम लोग दूसरे हिस्से में, और ये हिस्सा जाहिर सी बात है आपके गुरु और जिनका हम लोग पिछले हिस्से में जिक्र कर रहे थे। मैं चाहूंगा आप उनसे आप स्टेप बाय स्टेप अगर कुछ बता सकें, 10 साल का आपने बताया, लेकिन उसके आगे कौन सी चीजें उन्होंने आपको गुरु के तौर पर ऐसी बताई जो आपको लगता है कि ता उम्र जीवन भर आपके साथ रहेंगी? जी जी बिल्कुल। एक चीज तो है, जो महान कलाकार है, जो विजनरी है, उनको उनके सामने बैठना, एक ऑरा जो होता है, जो वाइब होता है, उससे भी बहुत कुछ सीख मिलते हैं विदाउट योर नॉलेज। दूसरा चीज है, जैसे हम रिसर्च के बात कर रहे थे, सो ये जो रिसर्च जो है ना, इसमें आर ई जो है, ये रिफ्लेक्टिंग अगेन, ये बहुत सिग्निफिकेंट चीज है। सो आमतौर पे ऐसे गुरुजी के सामने कुछ लिखना अलाउड नहीं था, सो एवरीथिंग, बिकॉज ये श्रुति विद्या है, सो यू हैव टू मेमोराइज एंड लिसन, बट उसको रिपीटेडली चर्न करना वो बहुत जरूरी होता है, सो रिफ्लेक्ट ऑन दैट। तो ऐसे भी होता है कि एक चीज कुछ मैंने सुनी है आज, लेकिन शायद 2 साल बाद कुछ करते वक्त उसका एक अलग लेयर ऑफ मीनिंग मेरे सामने प्रकट हुआ, फिर उसके 4 साल बाद और एक लेयर ऑफ मीनिंग प्रकट हुआ। तो ऐसे इफ यू थिंक डीपली, तो वो जो चर्निंग प्रोसेस है, सो दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ एजुकेशन। तो जैसे हम नॉलेज की बात करते हैं, सो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विच इज माई सब्जेक्ट अगेन, सो इंटेलिजेंट, स्मार्ट, अवेयर, दिस इज वन लेवल ऑफ नॉलेज। बट वेन नॉलेज बिकम अ विजडम, वो वाइज, ज्ञानी होना और जानकार होना, इसके बीच में जो फर्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अनलेस यू गेट दैट विजडम, तो आपको दूसरे जगह पे ढूंढने का ये जो इनक्विजिटिवनेस, सो आई थिंक दैट वाज आल्सो अ वेरी मेजर कन्वर्सेशन बिटवीन अस, कि ये बच्चा क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं, लेकिन वो भी ये इंजॉय करते थे, हाँ चलो इसके अंदर वो है, सो ही आल्सो यूज्ड टू गिव मी न्यू फूड फॉर थॉट। तो और दूसरा एक सफर जो अच्छा रहा है, आफ्टर आई शिफ्टेड टू बॉम्बे, आई कुड एकम्पनी हिम टू अ लॉट ऑफ कॉन्सर्ट्स, which is again another way of music education, क्योंकि एक कलाकार का जो शिक्षण है और म्यूजिक शिक्षार्थी का जो शिक्षण है, ये बहुत अलग है। So when you take your music to a stage and you want to sing for an audience, तो you are a different person। तो ये वो जो introvert versus extrovert होता है, so कलाकार का काम ही है ये, जिनका responsibility है to sing for an audience। तो स्टेज क्राफ्ट क्या है, what is to be done with the audience, audience कैसे सुन रहे हैं, उसका जो शिक्षण है वो बहुत बहुत जरूरी है। And I was fortunate to accompany him to a lot of concerts in many states and countries, तो उससे ये जो शिक्षण है, so that is yet another level, and बाद में it goes to another cognitive level। जैसे हम कुछ सफर कर रहे हैं, we are learning music through a different phenomenon, जैसे हम खाना कैसे बनाते हैं। और दूसरे एक चीज में भी मेरा बहुत खैर अभी मेरा थोड़ा बहुत कलेक्शन भी है, आई एम अ परफ्यूम लवर, सो मुझे इत्र का कलेक्शन करना और मतलब समझना, ये भी, एंड दैट आल्सो हैज अ रिसर्च एस्पेक्ट, बट आई एम नॉट कमिंग टू दैट। बट उससे भी पता चलता है कि इस म्यूजिक का खुशबू क्या है, एंड नाउ आई हैव फाउंड आउट एवरीथिंग इज अबाउट फ्रीक्वेंसी। सो म्यूजिक में भी सारेगामा पता नहीं एक फ्रीक्वेंसी होता है, और उसमें हम नोट से बात करते हैं कि ये नोट को कैसे मतलब पेश करे, और आप अगर खुशबू के जानकार है, उसमें भी टॉप नोट, हार्ट नोट और बेस नोट होता है, सो दोनों चीज बहुत जुड़ी हुई होता है। तो ऐसे ऐसे लेवल पे बातचीत होना जिससे एक अलग ही नजरिया ओपन अप हो जाए,
आई थिंक दिस ऑल वेर वेरी मच इंस्ट्रूमेंटल इन इन काइंड ऑफ नरिशिंग द पर्सन आई एम. तो दो विषय आपने और ऐसे दे दिए जिसमें आपसे समय लेकर फिर से बात करनी पड़ेगी, एक तो ये संगीत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरा ये खुशबू का संगीत से जो रिश्ता है वो. लेकिन जरा मुझे ये बताइए कि पंडित जी कैसे, गुरु कैसे हैं, सख्त हैं, डांटते वांटते भी हैं या हमेशा प्यार से ही रखते हैं? नहीं, वो तो आप किसी एक मतलब एक चीज में उनको वर्णन करना मुश्किल या नामुमकिन है. सो ये डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर. लेकिन अगर डांट अच्छी चीज के लिए होती है तो वो तो अच्छा ही है. मैंने देखा कौस्तुभ पंडित जी के कई ऐसे कार्यक्रमों की झलक यहाँ वहां, जिसमें वो जो पीछे जैसे भी आप कह रहे हैं कि स्टेज शेयर कर रहे हैं आप उनके साथ, और उसमें अचानक वो मुड़ के अपने शिष्य से कहते हैं गाओ. ये जो वहां आप सीखते हैं वो संभवतः कई म्यूजिक सेशन पे भारी पड़ता होगा, क्योंकि आपके गुरु और आप मंच पर बैठे हुए हैं, सामने सुनने वाली जनता है और वहां पर गुरु का आदेश हुआ है और इस विश्वास के साथ आदेश हुआ है कि ये गाएगा तो मेरा नाम खराब नहीं होगा, मैंने जो सिखाया है मुझे भरोसा है कि ये उसको उस लेवल तक ले आएगा. जी ऐसा कभी हुआ? बिल्कुल ऐसा ही होता रहा. एंड दैट इज द रिस्क टेकिंग एटीट्यूड जो जो एक अच्छे ड्राइवर में होता है. इट्स काइंड ऑफ कंट्रोल्ड एग्रेसिवनेस. तो वो तिहाई में भी वो बात बन के ना आए तो उसका मजा नहीं आएगा. कि लोग एक चीज है, हाँ बहुत अच्छा चल रहा है, और एक चीज मतलब ये कैसे हुआ. ये जो अनबिलीव करने का जो इच्छा है, मतलब ये बिलीव नहीं होता है. सो उसमें जो रिस्क लेने का एक एटीट्यूड होता है वो ये अचानक से ही होना चाहिए. एंड ये एक दो बार नहीं, बार बार होता रहा है, वो ही एक सीख है. एंड दूसरा ये है कि व्हेन व्हेन आई वाज सिंगिंग विद हिम इट वाज नेवर माय म्यूजिक टू बी प्रेजेंटेड. आई नेवर थॉट मुझे क्या आता है वो दिखाऊं. लेकिन एक जो माहौल चल रहा है उसको सिलसिला में कैसे फिट होना है. And always, so it's all also about the great accompanies, जैसे योगेश समसी जी, अजय जुगले, तो उनके साथ एक स्टेज शेयर करना कि उनका रिएक्शन क्या है, और ये एक जो स्थापना हो रही है. सो इवन द सेम राग, सेम बंदिश बींग संग एट डिफरेंट कॉन्सर्ट, इट्स केम आउट टू बी टोटली डिफरेंट, एंड विच शुड बी द केस. तो वो कैसे होना चाहिए उसका सीख वही उसमें ही है. और ये जो अचानक रिले रेस जैसा होता है कि मैं तुमको एक बैटन दे रहा हूँ, आप उसको लेके आगे बढ़ो, तो ये भरोसा की बात जैसे है उसी सीख की बात भी है. तो सो वी लर्नड अ लॉट अबाउट फ्रॉम दोज. और कभी उन्होंने आप लोग को कोई ऐसा किस्सा बताया बड़े गुलाम अली खान साहब का के बारे में, क्योंकि अक्सर वो अपने कार्यक्रमों में उनका जिक्र करते रहते हैं, कभी आप लोगों को कुछ ऐसा बताया हो जो आप शेयर करना चाहें? जी बिल्कुल, किस्से तो इतने हैं कि मुझे अभी याद करना पड़ेगा कौन सा बताऊं. लेकिन हाँ, उनका उनका जो सुर को देखने का नजरिया है, या एक एक राग के साथ जो उनका डीपनेस ऑफ थॉट है, डेप्थ ऑफ थॉट है, तो अलग ही है. लाइक आई वुडंट लाइक टू शेयर एनी पर्टिकुलर थिंग, बट या आपने जो जिक्र की है, आई कैन टोटली, so it gets me back to those days, like when he used to share the stories. चलिए कौस्तुभ, ये समय की सीमा है इसलिए इंटरव्यू तो हम यहाँ खत्म कर रहे हैं, लेकिन आपसे ये वादा लेना चाहेंगे कि आप जल्दी ही हमको समय देंगे दोबारा, जिसमें हम एक बार फिर क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और म्यूजिक बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक में तो आप कहते हैं कि राग यमन अगर आप एक दिन में 10 बार गाएं तो 10 तरह अलग अलग तरह से गाते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं. बहुत धन्यवाद आपको भी, बहुत अच्छा लगा, एंड फिर मिलने का राह देखते हैं. बिल्कुल, और सब सब ऑडियंस को मेरा प्रणाम, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद.